हे गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप लोगों का डाटा आपके कंप्यूटर से डिलीट हो गया है, चाहे वो फोटोज़ थी, वीडियोस थी, डॉक्यूमेंट्स थी या फिर कोई भी फाइल थी, आप उसको बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। और ना सिर्फ अपने कंप्यूटर से बल्कि USB फ्लैश ड्राइव, SD कार्ड या फिर किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज से अगर डाटा डिलीट हो गया है तो भी आप उसको रिकवर कर सकते हैं। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिकवरी डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएं। और यहां पर आप देख सकते हैं, आप इसकी मदद से फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स वगैरह रिकवर कर सकते हैं। और ना सिर्फ आप अपने कंप्यूटर से बल्कि हार्ड ड्राइव, SD कार्ड, एक्सटर्नल USB ड्राइव से डाटा रिकवर कर सकते हैं, और आप 100 MB का डाटा बिल्कुल फ्री में रिकवर कर सकते हैं। ट्राई इट फ्री के बटन पर क्लिक करें और इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर हार्ड डिस्क ड्राइव्स दी गई हैं, जिसमें मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की ड्राइव्स शो हो रही हैं, जिसमें सी पार्टीशन, DEF और G पार्टीशन शामिल हैं। और इसके नीचे डिफरेंट लोकेशन दी गई हैं, जैसा कि रिसाइकल बिन, डेस्कटॉप या फिर सिलेक्ट फोल्डर। अगर आपका कोई फोल्डर डिलीट हो गया था तो वो भी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर है एक्सटर्नल डिवाइसेस। अगर आप लोग SD कार्ड या फिर USB फ्लैश ड्राइव अटैच करेंगे तो वो यहाँ पर शो होगा। तो मेरा डाटा डी पार्टीशन से डिलीट हुआ था तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें तो ये रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये 5 से 10 मिनट ले सकता है, डिपेंड करता है कि आपका कितना डाटा डिलीट हुआ है और आपकी हार्ड डिस्क की स्टोरेज कितने GB की है। अगर रिकवरी प्रोसेस के दौरान ही आपको आपका डिलीट शुदा डाटा नज़र आ जाए तो आप इस रिकवरी प्रोसेस को यहाँ से पॉज या फिर स्टॉप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको 100% कम्प्लीट होने देता हूँ। यहाँ पर कुछ वेट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्कैन कंप्लीट हो चुका है और इसने इतनी फाइल्स रिकवर की हैं। तो मैं यहाँ से गॉट इट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो लेफ्ट साइड पर आपको फाइल पाथ शो होगा और इसके साथ है फाइल टाइप। आपको हर चीज़ फोल्डर वाइज मिलेगी यहाँ पर, जैसा कि फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी फ़ोटोज़ को देखना चाहता हूँ जो कि JPG में है, इस वाले फोल्डर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी तमाम डिलीट शुदा फोटोज़ रिकवर होकर यहाँ पर आ चुकी हैं। तो आप इनका प्रीव्यू भी देख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो डाटा रिकवर करते वक्त। तो आप जिस फाइल को रिकवर करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद रिकवर के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप एक बात का खास ख्याल रखें, उस जगह पर डाटा बिल्कुल भी सेव ना करें जहां से आपका डाटा डिलीट हुआ था। तो मैं इसको सी पार्टीशन में सेव कर लेता हूं। सी पार्टीशन को सिलेक्ट करके यहां पर न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूं और उसके बाद रिकवर के बटन पर क्लिक कर देता हूं। तो ये रिकवरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही सेकेंड्स में डाटा रिकवर होकर आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डाटा रिकवर हो चुका है और ये रहा हमारा डिलीट शुदा डाटा। तो यहाँ पर तमाम फोटोज़ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और वीडियो वाले सेक्शन में तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप बहुत ही आसानी से अपना डिलीट शुदा डाटा रिकवर कर सकते हैं। 100 MB तक का डाटा आप बिल्कुल फ्री में रिकवर कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा डाटा रिकवर करना चाहते हैं तो फिर आपको इसको बाय करना पड़ेगा।
तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। अगर आपका डाटा कभी भी USB फ्लैश ड्राइव आपके कंप्यूटर से या फिर किसी भी पार्टीशन से डिलीट हो जाए, आप उसको बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।